जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री हरे राम बाबा जी का जीवन चरित्र। बाबा बड़े विनोदी थे, उनके विनोद से भी किसी न किसी का भला ही होता। कई बार तो ऐसा भी होता कि उनके विनोदपूर्ण व्यवहार से दूसरे व्यक्ति का जीवन ही बदल जाता। यह घटना आजमगढ़ जिले उत्तर प्रदेश की है। घूमते हुए बाबा वहाँ गए और सुरम में अमराई देख कुछ दिन रुकने का विचार किया। बाबा को आम प्रिय थे और वहाँ आमों की कमी थी ही नहीं। उसी आम के बगीचे में एक अघोरपंथी तांत्रिक साधु भी रहता था। उस क्षेत्र में उस अघोरी के चमत्कारों के कारण उसकी बड़ी प्रसिद्धि थी। इस बगीचे पर उसी का कब्जा था। वहाँ रहने से पहले बाबा ने उससे परिचय किया, अनुमति मांगी। उसने बाबा को रहने की स्वीकृति दे दी। धीरे धीरे दोनों में घनिष्ठता भी हो गई। एक दिन बाबा ने कहा, गुरु भाई तुम तो सिद्ध पुरुष हो, तुम्हारे चमत्कारों के सभी लोग गुण गाते हैं, अतः मुझे भी अपनी कुछ करामात दिखाओ ना। एक रात वह अघोरी अपनी करामात दिखाने के लिए बाबा को शमशान ले गया। वहाँ बाबा को कुछ दूर बैठने को कहा और स्वयं घड़े में गंगा जल भरकर उसमें गुड़ चावल डालकर चिताग्नि पर रख कर मीठे चावल बनाए। फिर उसने तांत्रिक मंत्रों द्वारा बहुत से भूतों का आह्वान किया। उनके आने पर सबको वह मीठे चावल परोसकर खुद भी खाने लगा। बाबा दूर बैठे यह सब देख रहे थे। उनके स्थान पर दूसरा कोई होता या तो मर जाता, न मरता तो बेहोश हो जाता। वह भी न होता तो भाग तो अवश्य ही जाता, किंतु बाबा को भय कैसे होता। भय को भी जिससे भय लगता है वह तो बाबा का अपना स्वजन है। बाबा ने तो जीवन में कई भूत प्रेतों का उद्धार किया, सिद्धों का संग किया और देवताओं की सेवा ग्रहण की। अघोरी की क्रियाओं से वे भयभीत तो क्या होते। उन्होंने ऐसा विनोद किया कि अघोरी ही भयभीत होकर भाग खड़ा हुआ। बाबा ने एक लंबे बांस पर सफ़ेद कपड़ा लपेटा और उसके छोर को ध्वजा की भांति फहराते हुए मात्र कोपीन पहने अघोरी के सामने आए। उछलते कूदते डरावने शब्द करते बाबा जब अघोरी के सामने आए, तब वह सब भूतों को खिलाने के बाद मंत्र जप कर रहा था। बाबा ने स्वर बदलकर मेघ गर्जन की भांति डरावने स्वर में उससे कहा, अरे ओ पापी, तू प्रेतों को भोजन करवा रहा है पर मेरा भाग कहाँ है। मैं इस शमशान का राजा प्रेतराज हूँ, शीघ्र मेरा भाग दे, अन्यथा मैं तुझे कच्चा ही चबाकर खा जाऊँगा। बाबा का यह नाटक इतना सटीक था कि अघोरी सचमुच उन्हें प्रेतराज समझकर डर गया। उसने प्रेतराज को वश में करने के लिए कई मंत्रों का प्रयोग किया, किंतु प्रेतराज हो तब तो वश में होना। बाबा अपनी क्रियाओं से उसे भयभीत करते रहे। अपने मंत्रों का कोई असर न देख वह समझा, आज आने वाला यह प्रेतराज बड़ा बलवान है, मेरे मंत्रों से यह अधीन नहीं होने वाला, कहीं सचमुच ही यह मुझे खा न जाए। इस विचार के आते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए और वह वहाँ से भाग गया। दूसरे दिन आम के बगीचे में बाबा से उसने सारी बातें बताई तो बाबा ने हंसकर कहा, अरे तुम व्यर्थ ही डर गए, वह तो मैं ही था। इसके बाद बाबा ने उसे भक्ति का उपदेश दिया और पतन की ओर ले जाने वाली इन तांत्रिक क्रियाओं को त्याग कर भगवत भजन करने की आज्ञा दी। थोड़े समय बाद वह अघोरी उस अमराई को छोड़कर कहीं और चला गया। आगरा के पास जगनेर गांव के समीप कुछ पहाड़ियां हैं। वह यहां पहले कभी ग्वाल बाबा नाम के कोई सिद्ध महापुरुष रहते थे। उन्हीं के नाम से वह स्थान भी ग्वाला बाबा कहा जाने लगा। बाबा एक बार वहां पहुंचे और कुछ महीने रहे। बाबा पहाड़ी के ऊपर रहते। गांव का एक आदमी उन्हें थोड़ा सीधा सामान पहुंचा जाया करता था। पहाड़ी पर पीने का पानी उपलब्ध नहीं था, नीचे से जल लाने में बड़ा परिश्रम होता। कुछ महीनों बाद गांव के लोग बाबा के पास आने लगे तो उन्हें जल कहां से पिलाएं। बाबा के मन में आया, यदि यहां पहाड़ी पर ही पीने योग्य जल की व्यवस्था हो जाए
तो सत्संग के लिए आने वाले लोगों को सुविधा हो जाए। रात्रि में एक बार बाबा के पास एक लंबा चौड़ा आदमी आया। उसने कहा, आप जल की चिंता ना करें, मैं जल से भरे कई मटके यहाँ पहुँचा जाया करूँगा, किंतु केवल पिलाने से ही क्या होगा, उन्हें प्रसाद भी तो प्रदान करना चाहिए, मैं सब व्यवस्था कर दूँगा। उसकी बात सुनकर बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। वह व्यक्ति पानी के मटके, घी, शक्कर, आटा आदि सामान पहुंचा जाया करता था। एक दिन उस व्यक्ति ने, जो पहले बाबा को सीधा सामान पहुंचाया करता था, बाबा से पूछा कि आपके पास पीने का इतना पानी और मिठाई का सामान कहां से आता है। बाबा ने बताया, तुम्हारे ही गांव का एक लंबा चौड़ा शरीर वाला आदमी यह सब सामान पहुँचा जाया करता है। उस बेचारे आदमी ने अपनी बुद्धि पर बड़ा जोर लगाया, पर ऐसा कोई व्यक्ति ध्यान में नहीं आया, तो बाबा से आज्ञा लेकर एक रात वह पहाड़ी पर ही रुक गया। ठीक समय पर वह दीर्घकाय व्यक्ति आया और आते ही बाबा से कहा, आपने आज गांव के आदमी को यहां क्यों रोक लिया, इससे तो सारे लोग जान जाएंगे, मैं तो किसी को भी बिना बताए सब गुप्त रूप से करता हूँ। वह छिपा हुआ आदमी इस दीर्घकाय को देख घबरा उठा। बाबा भी समझ गए कि यह साधारण व्यक्ति नहीं है। उस व्यक्ति ने बाबा के सामने ही अपना हाथ बढ़ाकर उस ग्रामीण को उठा लिया और भुजा बढ़ाते हुए नीचे गांव में ले जाकर उस आदमी को वहां छोड़ वापस वह भुजा सामान्य हो गई। यह सब देखकर भी बाबा डरे नहीं, उन्होंने उससे परिचय पूछा। उसने बताया, मैं कुबेर का अनुचर यक्ष हूँ, थोड़ा पास ही कुबेर का खजाना गड़ा है, मैं उसकी रक्षा के लिए नियुक्त हूँ। मुझे मेरे स्वामी का आदेश है कि पहाड़ी पर रहने वाले साधु की सेवा करूँ, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो। तब से मैं पेयजल और मिष्ठान की व्यवस्था कर दिया करता हूँ। इसके पश्चात बाबा को साथ लेकर उसने कुबेर का वह कोष भी दिखाया जिसकी रक्षा के लिए वह तैनात था। यक्ष ने अपने पूरे परिवार सहित बाबा को प्रणाम और सत्कार किया। बाबा ठहरे वीतराग, यहाँ रहना अब भजन में विघ्न स्वरूप होगा, यह सोचकर दूसरी जगह चले गए। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।